नमस्ते छात्रों, हम अपने इस अवधि में एक नए पाठ को शुरू करेंगे जिसका नाम है हम और हमारा पर्यावरण। ठीक है, देखिए वास्तव में पर्यावरण संरक्षण तो हमारे देश की संस्कृति में संस्कृति से जुड़ा हुआ है। वास्तव में क्या है, पर्यावरण का जो संरक्षण है तो हमारे संस्कृति से ही जुड़ा हुआ है। हमारी संस्कृति है पर्यावरण की संरक्षण करना, हमारी संस्कृति है। वृक्षारोपण यहाँ पुण्य कार्य माना जाता है। वृक्ष को लगाना, वृक्ष का पालन पोषण करना यह पुण्य का कार्य माना जाता है। नर नारियां पीपल बरगद आम नीम आंवला जैसे उपयोगी वृक्ष लगाना धार्मिक कृत्य समझते हैं। नर और नारियां, युवक और युवतियां पीपल बरगद आम नीम आंवला जैसे उपयोगी वृक्ष लगाना, जैसे उपयुक्त वृक्षों को लगाना धार्मिक कृत्य समझते हैं, क्या धार्मिक कार्य है समझते हैं। अपने संस्कारों का अनुगमन करते हुए हम स्वाभाविक रूप से पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। अपने संस्कारों से मिले हुए संस्कारों का अनुगमन करते हुए हम क्या कर सकते हैं, स्वाभाविक रूप से ही पर्यावरण संरक्षण हम सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे आसपास का प्राकृतिक वातावरण जिसमें हम रहते हैं, पर्यावरण कहलाता है। यही क्या है, पर्यावरण कहलाता है। हवा पानी धूप गर्मी सर्दी बरसात धरती पर्वत नदियां जीव जगत पेड़ पौधे आदि सभी हमारे पर्यावरण के अंग है। हमारे आसपास जो भी है वह सब कुछ क्या है, यह पर्यावरण का ही अंग है। इन सब का हमारे जीवन में सीधा संबंध है, इन सभी का हमारे जीवन में डायरेक्ट क्या है, संबंध है, रिलेशन है। और ये हमें प्रभावित करते हैं, ये सब क्या करते हैं, हमें प्रभावित करते हैं। इसलिए अपने पर्यावरण के बारे में जानना और उसे जीवन के अनुकूल बनाए रखना हम सबके हित में है। और सभी क्या है, इस पर्यावरण के बारे में जान लेना और अपने जीवन के अनुकूल उन्हें बनाना क्या है, हम सबका हित है, उसमें हम सबका हित है। आइए अपने पर्यावरण के दुख सुख को भी देखें। हम क्या करेंगे, भी हमारे इस पर्यावरण के दुख सुख को हम देखेंगे। प्रकृति ने धरती पर नाना प्रकार की वस्तुएं बनाई है। जो प्रकृति है वह धरती पर अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को बनाई है जिनके कारण धरती सुंदर और सुहावनी लगती है। इसी के कारण ये जो धरती है वह सुंदर और सुहावना लगती है। आपने भी हरे भरे बाग बगीचे भांति भांति के जीव जंतु तथा मनमोहक पर्वत श्रृंखलाएं झरने नदियां आदि देखे होंगे। हम सब लोगों ने भी इनको देखा है, पर्वत श्रृंखलाओं को झरनों को नदियों को हमने देखा है। भला कौन ऐसा है जिसका पहाड़ों की ठंडी हवा खाने झरनों की गिरती फुहार देखने तथा नदियों के कलकल बहते पानी को निहारने का मन नहीं करता। जो भी व्यक्ति है वह सभी को यह सब देखने का मन उनका करता ही है। लहलहाते खेत खलियान फूलों से महकती रंग बिरंगी धरती वृक्षों के झुरमुट से आती मंद मंद सनसनाती ठंडी हवा और बीच बीच में चिड़ियों का चहचहाना जंगल में शेर की निर्भीक दहाड़ ऊंचे ऊंचे वृक्षों के वनों में पगडंडी से गुजरते नरनारी प्रकृति की गोद में अनायास ही माता के दुलार का आनंद होता है। ये सब कुछ एक सुहावना होता है, एक ऐसा बहुत ही आनंद महसूस होता है। संभवतः इसलिए धरती को धरती माता कहना प्रारंभ हुआ, कि वह धरती पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जैसे कि धरती क्या है, हम सबकी माँ है, इसलिए उसे धरती माँ कहना प्रारंभ हुआ होगा। ये सुहावने नाना प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु पर्वत नदियां ही नहीं बल्कि जल के भीतर रहने वाले जीव तथा आकाश में विचरने वाले पक्षी बहती हवा आकाश में विचरने वाले पक्षी बहती हवा और फसलों तथा फल फलों से
फल फूलों से लदी वनस्पतियां हमारी माता के सुंदर वस्त्र और आकर्षक गहने हैं। ये जो कुछ भी है, ये जो पक्षी है, बहती हवा है, फसल है, फल फूल है, वनस्पतियां है, ये सब कुछ क्या है, ऐसा लगता है कि हमारे माता की आकर्षक वस्त्र है, एक वस्त्र है, कपड़े और आकर्षक गहने हैं, ज्वेलरी है, इस तरह हमें आभास होता है। इनसे सुसज्जित धरती केवल चित्ताकर्षक ही नहीं लगती बल्कि संपूर्ण जीव जगत के लिए जीवनदायिनी भी है। सिर्फ एक आकर्षक ही नहीं लगती बल्कि यह पूरा संपूर्ण जीव जगत के लिए क्या है, एक जीवनदायिनी है, यानी कि सभी को जीव देती है। अब आप ही सोचिए कि जिस माँ की गोदी में जीवन भोजन और भरपूर लाड़ प्यार मिले उसकी रक्षा कौन नहीं करना चाहेगा। जिस माँ के गोदी में बहुत सारा लाड़ प्यार और सब कुछ मिल जाए तो कौन है वह इस माता की रक्षा करने में नहीं आगे बढ़ेगा। यदि ऐसी धरती माता के सौंदर्य को कोई नष्ट करे अथवा बिगाड़े तो क्या कोई भी व्यक्ति उसे बर्दाश्त कर सकेगा। अगर कोई इसके सौंदर्यता को बिगाड़ेगा तो क्या कोई व्यक्ति इसको बर्दाश्त कर सकेगा क्या, इसको सहन कर सकेगा क्या। लेकिन आज हमारे धरती माता के गहनों और कपड़ों की उसके अपने ही मानव बेटों ने स्वार्थवश लूट खसोट मचा रखी है। लेकिन आज के समय में तो उस धरती के जो मानव रूपी जो बेटे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहे हैं, उसके गहनों को वस्त्र को लूट सकोट मचा रखी है, उसके निकाल रहे वो सबको। इसका परिणाम यह हुआ है कि धरती पर प्राकृतिक वस्तुओं का धीरे धीरे अभाव होता जा रहा है। इस कारण क्या हो रहा है, इस धरती पर प्राकृतिक वस्तुओं की अभाव हो रही है। पेड़ पौधे हमारे जीवन धार है, जो पेड़ पौधे है हमारे जीवन के आधार है। वे हमें हरियाली, खाने के लिए स्वादिष्ट फल, सजावट के लिए फूल, मन की शांति के लिए ठंडी हवा और आंखों की शीतलता है तो सुंदर दृश्यावली देते हैं हम सबकी भलाई के लिए, हम सबकी खुशी के लिए। ये सब कुछ वह देती है, प्रकृति देती है। वृक्षों की जड़ें धरती में चारों ओर फैलकर मिट्टी को बांधे रहती है जिससे हवा और वर्षा के पानी से मिट्टी बहती नहीं, क्या करती है, मिट्टी बहती नहीं है। वृक्ष रेगिस्तान को बढ़ने से रोकते हैं, जो वृक्ष है वह रेगिस्तान बढ़ने से रोकते हैं क्योंकि उस मिट्टी को जोर से कसकर पकड़कर रखे रहते हैं। समुद्र से भाप बनकर जो पानी उड़ता है वह वृक्षों के कारण ठंडा होकर धरती पर बरसता है, जो वृक्षों के कारण जो ठंडा होकर जो पानी है वह बरस देता है समुद्र के भाप, जिससे खेतों में हमारी फसलों को पानी मिलती है, उसी कारण खेत में जो फसल है उनको पानी मिलती है। वृक्ष हमारे सांस से निकली गंदी हवा को स्वयं इस्तेमाल करके बदले में हमें ऑक्सीजन से भरपूर साफ हवा देते हैं। वृक्ष गंदी हवा को लेकर हमारे जो ऑक्सीजन है उसको वह भरपूर मात्रा में दे देते हैं जिससे हमारा खून साफ होता है, उसके सहायता से हमारा जो ब्लड है वह साफ होता है, क्लीन होता है, प्योर होता है और हम स्वस्थ रहते हैं, हम लोग स्वस्थ रहते हैं। वृक्षों से हमें ईंधन और इमारतों के लिए लकड़ी आदि मिलती है, वृक्षों द्वारा ईंधन और लकड़ी मिल जाती है। उनसे हमें गोंद, रेजिन, लासा, छाल, जड़ी बूटियां आदि नाना प्रकार के जीवनोपयोगी वस्तुएं मिलती है, अलग अलग प्रकार के जीवनोपयोगी यानी जीवन को उपयोग होने वाले वस्तुओं हमें मिल जाती है। लेकिन खेद की बात है कि वृक्षों के इन्हीं गुणों के कारण लोग स्वार्थ के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। वृक्षों के इस गुण के कारण लोग क्या कर रहे हैं, उनकी अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं। तब क्या होता है, इससे कटाई कर रहे हैं जिससे धरती वीरान हो जाती है, धरती क्या है वह पूरा का पूरा खाली खाली हो जाती है।
रेगिस्तान बढ़ रहे हैं, इस कारण ही रेगिस्तान बढ़ रहे, वर्षा अनियमित हो रही है, वर्षा टाइम टू टाइम नहीं हो रही है, उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में पहुंच रही है। खेती बाड़ी करने के लिए, अनाज उगाने के लिए जो मिट्टी होती है वह कहाँ जा रही है, नदियों में जाकर मिल रही है। अपने में न समा पाने से नदियों में भीषण बाढ़ें आती है, वर्षा का पूरा पानी अपने आप में न समाने पर क्या हो जाता है, वह नदियों में जाती है वह, और भीड़ भीषण बाढ़ आ जाती है। बादल बिन बरसे चले जाते हैं, बादल बिना पानी को बरसे चले जाते हैं, अतः जगह जगह सूखा पड़ रहा है, इसलिए अलग अलग जगहों पर सूखा ही पड़ रहा है, मौसम बदल रहा है जिससे फसलें ठीक से नहीं हो पाती, मौसम भी चेंज होता जा रहा है इसलिए फसल ग्रीन ठीक से उग नहीं रहे हैं। वृक्ष तैयार होने में बहुत समय लेते हैं, वृक्ष तैयार होने में बहुत समय लगता है, अतः उन्हें लगाने और पालने पोसने के बजाय यदि उन्हें यूं ही काटते रहे तो हमारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा। हम वृक्षों को पालने से पोसने से क्या सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उनका यह पालन पोषण करना छोड़कर उनको काटते ही जा रहे, इससे पर्यावरण दूषित हो जाएगा और धरती पर अनेक प्रकार की विपदाएं आने लगेंगी, धरती पर बहुत अलग अलग प्रकार की मुश्किलें पैदा होते रहेंगी। अतः अपने पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वृक्षों को लगाना, पर्यावरण को संतुलित बैलेंस रखने के लिए वृक्षों को लगाना और उनकी देखभाल करना हम सभी का परम कर्तव्य है। इन सभी का देखभाल करना क्या है, हम सभी लोगों का एक परम कर्तव्य है। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है, हम अपने कल की अवधि में इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।